हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए ईयर की शुरुआत है और इस नए साल की शुरुआत हम करने वाले हैं एक बहुत अच्छी ट्रिप से। अमेरिका का एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है मायामी, और इस पूरे ट्रिप को जो है आप फुली एंजॉय करिए वर्चुअली मेरे साथ और वीडियो में बने रहिए। सो ये मायामी का साउथ बीच है और ये जो आपको जो हैपनिंग सी जगह दिख रही है ये ओशन ड्राइव है। और चलते हैं और देखते हैं यहाँ का कितना जो है वो अतरंगी सा जो है वो कल्चर है, उसको इंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए कितनी खूबसूरत सी शाम है यहाँ की। और फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है लोगों को किसी के कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं, सारे आप अपने जो है वो लाइफ को, अपनी प्राइवेसी को जो है टोटली इंजॉय करते हो। दिस इज़ द पार्ट रियली आई लव दिस कंट्री। फ्रेंड्स, मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया है बट मेरे से नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी इवेंट्स होती रहती है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पैरट्स जो हैं किस तरह से इतने क्लोज व्यू में, इतना बड़ा पैरेट मैंने नहीं देखा, जूम में देखा था बट इतने करीब से नहीं देखा, टच करके नहीं देखा। लेट्स ट्राई यू वन। कार्स, इज देयर एनी कार टॉयज? कार टॉयज हियर माय लव। नो, व्हाट इज दिस? This is like stuffing that we put inside the bears. Okay, yeah, got so it. So we make the bear like kind of from scratch. Oh, wow. See you later. Wow. Yeah. Wow. Love it. So friends, देखिए ये teddy bear में भरने के लिए ये जो cotton है वो चल रही है fresh, ये भर के यहाँ बना के sell करते हैं। Wow. तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बेहतरीन सा जो है वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। बैठ के आराम से खाइए पीजिए और बोट का भी मज़ा लीजिए। बोट जो है वो रिज़र्व करा के आप ये घूम सकते हैं ये बे साइड में। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, बे साइड मार्केट प्लेस बहुत हैपनिंग है मायामी का, जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये पूरा एरिया ही अपने आप में जैसे ना एकदम नेचर और मैन मेड एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है, तो बहुत ही पॉपुलर एरिया है। और इस साइड में पूरा नेचुरल व्यू मिलेगा आपको, ये जो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ नेचुरल व्यू है पूरा। इस साइड में देखिए ये पूरा बे दिख रही है, यहाँ से पूरा सी व्यू है दूर दूर तक। और ये जो साइड में दिख रही है मायामी जो है इसकी, देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स है पूरी। और ये दूसरा साइड जो है मार्केट प्लेस का, ये पूरा आपको पूरी जो है वो एक्टिविटीज़ जो जनरली मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है, लाइक ये पियर है आपका और सारी सब मतलब जो हैपनिंग्स है वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। और दिस इज़ रियली ऑसम प्लेस और बहुत अच्छा लगता है आप यहाँ पर अपना एक दिन आए तो एक दिन ज़रूर स्पेंड करें इस मार्केट प्लेस पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट फूड खाने का मज़ा ही अलग है जब आप कहीं फॉरेन में हो।
मतलब कि आप अमेरिका ऐसी जगह में हो और आप अपना इंडियन फूड एक्सप्लोर करते हो तो और मज़ा आ जाती है। कहने को दुनिया में कुछ भी खा लो, लेकिन जो घूम फिर के जो टेस्ट है वो अपने देसी फूड में ही होता है। सो यहाँ पर मायमी में एक रेस्टोरेंट है, ये आप देख रहे हैं, जो है छा से छोटू लिखा हुआ है। तो हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट सा रेस्टोरेंट चुना है आज, और देखते हैं आज इसमें क्या कुछ हम खाने वाले हैं और कैसा रेस्टोरेंट है, और रेट वाइज सब कुछ आपको रिव्यू भी देंगे फूड का। सो आइए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, है यहाँ पे एक फूड प्लाजा टाइप के बना हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ के कुजीन्स हैं और हम इंडियन कुजीन लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थाली आ चुकी है, हमने एक थाली ऑर्डर की थी और पाव भाजी। तो ये सारा पूरा टोटल खाना और ये डाइट कोक मिला के हमारा करीबन $50 के अराउंड बिल आया है, मतलब 5000 के लगभग। अब टेस्ट वाइज मुझे नहीं पता है कैसा है, वो रिव्यूज़ मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन देख सकते हैं थाली में एक समोसा दे रखा है, एक रोटी है नाप के, ज़्यादा नहीं है, और छोला है, मतलब पर पर्सन ही खा सकता है, इसको शेयर करके नहीं खा सकते बिकॉज पर पर्सन वाला ही है। सो यार, इसलिए हमने दो चीज़ें मंगा ली है, देखिए और खाते हैं इसको, और मैं टेस्ट करके बताती हूँ पाव भाजी कैसी है। बहुत खास नहीं है लेकिन ठीक ठीक है, ओके ओके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए छा से छोटू इंडियन स्ट्रीट फूड जो है, यहाँ का बहुत कुछ खास खाना तो नहीं था और बहुत ही ज़्यादा प्राइसी है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड। फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कोकोनट्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है, और आज हम आपको अपना रिज़ॉर्ट डे 3 का दिखा रहे हैं, बिकॉज़ डे 1 वाले दिन हम बिल्कुल टायर्ड हो गए थे तो हमने कुछ शूट नहीं कर पाया। तो मॉर्निंग टाइम में हम फ्रेश होकर बिल्कुल आपको फ्रेशली जो है वो वीडियो बना रहे हैं। सो ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा एक रिज़ॉर्ट है, और इस रिज़ॉर्ट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। सो चलिए वो सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको, ब्रेकफास्ट क्या कुछ है, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में शूट किया है वो भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बढ़िया व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने कोकोनट ट्रीज़ हैं, बालकनीज हैं, सो बहुत अच्छा व्यू भी है। और सबसे अच्छा जब बीच में तब लगता है जब आप कोकोनट्स जो है आसपास दिखाई पड़ते हैं, पाम ट्रीज़ होते हैं। सो या, और ये जो ये सारे बने हुए हैं देखिए रिजॉर्ट्स के, ये सारे अपार्टमेंट्स जो हैं उनका जो है रूम्स वगैरह दिए हैं, और देखिए कितने खूबसूरत से जो है वो पेड़ लगे, और इतनी ठंड का मौसम है इस समय, दिसंबर है बट यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप लोगों को हमारे आउटफिट्स देख के समझ आ रहा होगा कि बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस वेदर। सो फ्रेंड्स, आइए आपको ब्रेकफास्ट एरिया दिखाते हैं यहाँ का, कम ऑन गेट इनसाइड। सो ये सारा यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया है, और ये हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद में शूट किया है पूरा एरिया, और ब्रेकफास्ट के पहले का क्लिप जो है वो मैं इंक्लूड कर दूंगी। सो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट भी हमें इन्होंने दिया। फ्रेंड्स, हमने आपसे बताया था कि हम आपको अपना होटल स्टे भी दिखाएंगे। सो ये हमारा होटल का रूम है, और हमने चूंकि मॉर्निंग टाइम में शूट किया है तो एकदम फ्रेश रूम तो नहीं दिखा रहे हैं आपको जैसे हमने एंटर किया था, बट या थोड़ा बहुत जो लास्ट टाइम रूम जो है रूम छोड़ने के टाइम जो भी सेटअप है और जितना क्लीनिंग है उतना मैं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ क्लीननेस बहुत अच्छी थी यहाँ की, बहुत हाइजीन वाइज बहुत अच्छा है। और ये देख सकते हैं बच्चों के साथ में इसी तरह रहता है, ये पिलोज जो है ये मेरे बेटे ने गिरा दिए नीचे तो इसको हम उधर लगा देते हैं, और ये देखिए इसके साथ में एक फ्रिज दे रखा है छोटा सा, एक ये फ्रिज दिया हुआ है, ये माइक्रोवेव है, और टीवी, और ब्रेकफास्ट टेबल दिए है ये, और एक ऑफिस टेबल भी है, और रूम का स्पेस काफ़ी अच्छा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बता सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग योर टाइम विद मी।